नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल व्यूज 360 डिग्री में। दोस्तों, कोरोना की बीमारी देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 7.5 लाख से अधिक केसों के साथ भारत कोरोना प्रभावित देशों की सूची में तीसरे स्थान पर आ चुका है। दोस्तों, 21,000 से अधिक भारत में डेथ्स हो चुकी है। इसलिए इस समय देश दुनिया में एक अर्जेंट नीड है कोरोना वैक्सीन की, जो अब तक नहीं बनी है दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और इसके लिए हम किसी को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को खुद प्रिकॉशंस को ध्यान रखना होगा। हम लोगों को घरों पर बैठना होगा, भीड़भाड़ वाले के इलाकों से दूर रहना होगा, जहाँ भी जाएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। हम लोगों को मास्क पहनने होंगे हर समय, हम लोगों को अपने हर समय हाथ धोते रहने होंगे, सैनिटाइज़र का उपयोग करना होगा। दोस्तों, सिर्फ प्रिकॉशन से ही इस समय हम इस बीमारी को बढ़ने से फैलने से रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर हमने इस बीमारी को फैलने से नहीं रोका, अगर ये बीमारी इसी पेस में बढ़ती रही तो शायद इंडिया नंबर 1 पे भी पहुंच सकता है दोस्तों। हालांकि दोस्तों, इस समय भारत में COVID-19 के रिकवरी रेट 59.21% है, जो कि लगभग 60% है। और साथ ही साथ इस समय प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा भी इस बीमारी का उपचार किया जा रहा है, जो कि बहुत सी जगह सक्सेसफुल हुआ है, बहुत कारगर साबित हुआ है। हालांकि भारत ने अपनी COVID-19 की वैक्सीन बनाना स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम कोवैक्सीन है। दोस्तों, भारत COVID-19 की वैक्सीन इंडिया में बना रहा है, जिसमें ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एंड NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से वैक्सीन विकसित की जाएगी। दोस्तों, इस वैक्सीन के बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें हमने बताया कि कोवैक्सीन क्या है, इसे कौन बना रहा है, कोवैक्सीन को बनने में कितने स्टेजेस हैं और ये वैक्सीन कब तक भारत में आ सकती है और वर्ल्ड में और कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो अपनी COVID-19 की वैक्सीन बना रही है। दोस्तों, जैसे कि भारत अपनी COVID-19 की वैक्सीन बना रहा है कोवैक्सीन, इसकी टेंटेटिव डेट यानी एक्सपेक्टेड डेट जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने कहा है कि 15 अगस्त तक ये वैक्सीन इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज के हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोवैक्सीन, जिसको साइंटिस्ट ने कहा है वो 15 अगस्त तक लॉन्च कर देंगे इंडिया में, क्या ये रियली पॉसिबल है, क्या ये रियलिस्टिक है कि लगभग 35-40 दिनों में एक वैक्सीन डेवलप की जा सकती है इंडिया में, वो भी COVID-19 की। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके लॉजिक के बारे में कि क्यों हमको ऐसा लगता है कि ये वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं बन सकती है, और प्रूफ्स के बारे में बात करेंगे जो कुछ रिसर्चर्स ने, कुछ साइंटिस्ट ने जिन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, जिनने आशंका जताई है कि इतनी जल्दी फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे होना असंभव है। दोस्तों, साथ ही साथ हम इसके पीछे के रीज़न को भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या वजह है जिस वजह से सरकार इस वैक्सीन को इतनी जल्दी लॉन्च कर रही है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि वो क्या कारण है, वो क्या वजह है जिस वजह से सरकार इस वैक्सीन को 15 अगस्त को लॉन्च करना चाहती है। लेकिन इसके लिए दोस्तों, आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी, सारे डिटेल दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कोवैक्सीन इंडियाज इंडिजीनियस फर्स्ट COVID-19 वैक्सीन है, जो कि भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड अपनी बैंगलोर की PSL3 फैसिलिटी में बना रही है। और दोस्तों, इसको डेवलप करने के लिए उन्होंने काफ़ी समय से शुरुआत कर दी थी, और इस समय कोवैक्सीन इसका फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल्स स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, इस समय पूरे विश्व में लगभग 150 से ज़्यादा कोरोना के वैक्सीन बन रही है, जिसमें से लगभग 18 वैक्सीन कैंडिडेट्स को ह्यूमन ट्रायल्स यानी क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस में अप्रूवल मिल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस सबसे पहले हम जानते हैं कि कोरोना के इलाज के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो कोरोना वायरस का इलाज सबसे ज़्यादा इस समय मेडिकेशन के थ्रू हो रहा है, जिसमें ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जा रहा है, जिससे वो इस वायरस से लड़ सके। दूसरी टेक्निक दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी की टेक्निक है, जो इस समय काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तीसरा दोस्तों, इस कोरोना वायरस से लड़ने का इलाज हो सकता है, वो है वैक्सीनेशन। लेकिन अभी कोई भी वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस के लिए नहीं बनी है। हालांकि लगभग 18 से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट इस समय अपने क्लिनिकल फेज के ट्रायल्स में है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं एक वैक्सीन किस तरह से काम करती है और उसका ह्यूमन बॉडी में जाकर क्या काम होता है। दोस्तों, जब भी कोई वैक्सीन हमारे ह्यूमन बॉडी में जाती है तो वो सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, और जो हमारे एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको मेमोराइज कराती है, यानी उनको याद कराती है कि आपको इस वायरस से, इस बैक्टीरिया से लड़ना है, इसे किल करना है, इसे फिनिश करना है। दोस्तों, बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स, इनको अगर हम कॉमन टर्म बोलते हैं पैथोजेंस, यानी कि एक वैक्सीन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो हमारे एंटीबॉडीज़ को मेमोराइज कराती है कि उसको इस पर्टिकुलर पैथोजेंस से लड़ना है, उसे किल करना है और उसे ख़त्म करना है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एंटीबॉडीज़ को, हमारे इम्यून सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि कोरोना वायरस के पैथोजेंस को उन्हें किल करना है। हालांकि दोस्तों, कोरोना वायरस जो है वो एकदम नई डिजीज़ है, नया वायरस है, जो हमारी एंटीबॉडीज़ अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, जिसके लिए हमारी एंटीबॉडीज़ अभी तक रेडी नहीं हो पाई। इस वजह से हमारी एंटीबॉडीज़ जो हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो कोरोना वायरस से नहीं लड़ पा रहा है। इस वजह से जो वैक्सीन्स हैं उनमें इस कोरोना वायरस के पैथोजन को यूज़ करके वैक्सीन बनाई जा रही है, जिससे हमारी एंटीबॉडीज़ को ये मेमोराइज हो जाए कि हमें इस कोरोना वायरस को किल करना है। दोस्तों, जनरली एक वैक्सीन को बनाने की 3 टेक्निक्स होती हैं।
दोस्तों जनरली टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करें तो पहले आती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इस वैक्सीन में पैथोजन यानी वायरस को कमजोर बना के उसके वीकेंड वर्जन को यूज करके वैक्सीन बनाते हैं, जो कि इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रहे हैं। इन्होंने अपनी वैक्सीन में कॉमन कोल्ड के वायरस एडिनो वायरस के वीकेंड वर्जन को यूज किया। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी इसी तरह से बनाई जाती है। इस वैक्सीन की खासियत यह है कि यह काफी इफेक्टिव होती है, लेकिन इसे बनने में काफी समय लग जाता है। दोस्तों दूसरी टाइप ऑफ वैक्सीन की बात करें तो सब यूनिट वैक्सीन होती है। इस वैक्सीन में पैथोजन के फ्रेगमेंट्स को या कुछ हिस्सों को इस्तेमाल करके वैक्सीन बनाई जाती है। हेपेटाइटिस बी और एचबीवी की वैक्सीन भी इसी तरह बनाई जाती है। दोस्तों तीसरी टाइप ऑफ वैक्सीन की बात करें तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इस वैक्सीन में पैथोजन या वायरस को मार के उसके डेड सेल्स को यूज करके वैक्सीन बनाई जाती है। दोस्तों भारत में बनने वाली कोरोना वैक्सीन भी इसी मेथड से बनाई जा रही है। फ्लू, पोलियो, रेबीज की वैक्सीन भी इसी तरह बनाई जाती है। इस वैक्सीन की खासियत यह है कि ये बॉडी पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं करती, लेकिन ये वैक्सीन कम इफेक्टिव होती है और स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रदान नहीं करती। इस वैक्सीन के डोज को लगातार लेना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, जैसे पोलियो की वैक्सीन में होता है। तो दोस्तों ये सब तो बात होगी कि एक वैक्सीन किस तरह से काम करती है, एक वैक्सीन का क्या फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में, और एक वैक्सीन को किन किन टेक्निक के द्वारा बनाया जा सकता है। दोस्तों अगर अब हम बात करें कि एक वैक्सीन को बनने में कितना टाइम लगता है, तो रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स के एडवाइस को अगर हम माने तो ऑन एवरेज एक वैक्सीन को बनने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। जो अब तक की फास्टेस्ट वैक्सीन बनी है, जो सबसे कम समय वैक्सीन बनी है, वो मम्स की वैक्सीन बनी है, जिसको बनने में पूरे 5 साल लगे थे। जी हाँ दोस्तों, पूरे 5 साल में एक वैक्सीन बनी थी जो सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन थी। और अगर हम सबसे लॉन्ग टर्म तक बनने वाली वैक्सीन की बात करें तो एचआईवी की वैक्सीन, जो कि रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स उम्मीद लगा रहे हैं कि 2030 तक बन जाएगी। यानी कि अगर होपफुली 2030 में एचआईवी की वैक्सीन बनती है तो एचआईवी की वैक्सीन को बनने में पूरे 50 साल लग जाएंगे। यानी कि एचआईवी की वैक्सीन सबसे ज़्यादा लंबे समय बनने वाली वैक्सीन है। दोस्तों इसी सब के बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने के दावे किए जा रहे हैं कि वो 1 से 1.5 साल में बन जाएगी। दोस्तों अगर एक बात देखी जाए तो इस समय पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है। पूरे वर्ल्ड में हर देश इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने में जुटा हुआ है और हर देश अपने अपने लेवल पर प्रयास कर रहा है इस वैक्सीन को बनाने की। जिस वजह से एक्सपर्ट और रिसर्चर्स अनुमान लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस की अगर वैक्सीन बनती भी है तो 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ये वैक्सीन बन जाएगी। क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में सब लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहे हैं और अपने अपने लेवल पे सब अपने अपने रिसर्च के द्वारा इस वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं। यानी कि इस रेस में जो भी वैक्सीन सबसे पहले सक्सेसफुल होगी, उसी वैक्सीन की टेक्निक को यूज़ करके, उसी वैक्सीन की रिसर्च को यूज़ करके बाकी लोग भी उस वैक्सीन को डेवलप कर लेंगे, जिससे ये वैक्सीन जल्द से जल्द बनने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों वैक्सीन को बनने वाले समय की बात करें तो एक वैक्सीन को बनने में लगभग 3 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। पहली स्टेज की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्टेज को पहली स्टेज माना जा सकता है। इस स्टेज में पहले यह जाना जाता है कि किस टाइप का वायरस है, वायरस की स्टडी की जाती है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इस वायरस से लड़ने के लिए किस टाइप की वैक्सीन बनाई जाए, कौन से मेथड, कौन सी टेक्निक को फॉलो किया जाए, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाई जाए या सब यूनिट वैक्सीन बनाई जाए। इन सब डिसीजन के बाद सेकंड स्टेज आती है टेस्टिंग की स्टेज। टेस्टिंग की स्टेज को भी अगर हम डिवाइड करें तो टेस्टिंग की स्टेज को भी हम 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज होता है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। इस स्टेज में वैक्सीन को एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है और उसकी इफेक्टिवनेस को देखा जाता है। इसमें चेक किया जाता है कि वैक्सीन इम्यून सिस्टम के साथ वैसा ही रिएक्ट कर रही है जिस पर्पस के लिए उसे बनाया गया है या नहीं। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के बाद इस वैक्सीन को ह्यूमंस पर टेस्ट किया जाता है, जिसको क्लिनिकल ट्रायल्स भी कहते हैं। इसको भी फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। फेज फर्स्ट, इसमें वैक्सीन को स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स यानी 50 से 60 पेशेंट्स पे टेस्ट किया जाता है और चेक किया जाता है कि ये वैक्सीन किस पेशेंट पे कितनी इफेक्टिव है, किस पेशेंट को कितना डोज दिया जा सकता है। इसके बाद फेज सेकंड में वैक्सीन को दोबारा लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स में, यानी इस बार इसे 150 से 200 लोगों पर टेस्ट किया जाता है और फेज फर्स्ट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से एज और सेक्स की कैटेगरी में इसको पेशेंट्स पे टेस्ट किया जाता है और उसकी एफिकेसी और साइड इफेक्ट्स को चेक किया जाता है। फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में सक्सेसफुल होने के बाद इसको फेज थर्ड में लार्ज पॉपुलेशन में, यानी इस बार इसे हजारों लोगों पर टेस्ट किया जाता है और इसमें इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और अनइंटेंशनल एडवर्स इफेक्ट को चेक किया जाता है। इस फेज में काफी समय लग जाता है, कभी कभार साल भर भी लग जाता है। इन सब के बाद स्टेज थर्ड आती है। इस स्टेज में सारी रिपोर्ट्स को सबमिट करने के बाद देश के ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी से अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, जहां से अप्रूवल मिलने के बाद इसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें भी लगभग 6 महीने तक का समय लग जाता है अक्सर। दोस्तों अगर दुनिया में बनने वाली दूसरी कोविड-19 वैक्सीन की प्रोग्रेस की बात करें तो इस समय जो वैक्सीन सफल हो रही है और काफी आगे है, उनमें सिनोवैक जो चाइना में बनने वाली वैक्सीन है, ये अभी प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के फेज में है और इसे अपने देश में मिलिट्री में टेस्ट करने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। दूसरी ओर यूएस बेस्ड मॉडर्ना कंपनी द्वारा बनने वाली
कोविड 19 की वैक्सीन की बात करें तो ये अभी अपने फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही है और इसमें 30,000 पेशेंट्स पे ये ट्रायल कर रही है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा पूल है। वहीं यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर 5,000 ब्राजीलियन वर्कर पे अपने फेज 3 की टेस्टिंग कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की राय में ये वैक्सीन सबसे सफलतम वैक्सीन मानी जा रही है और इस वैक्सीन को ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2021 के लिए 100 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दे चुका है। दोस्तों, जहां एक और ये सारी वैक्सीन अपने फेज 3 के ट्रायल्स कर रही है, यानी इन सब कंपनीज ने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स मार्च अप्रैल में स्टार्ट कर दिए थे और लगभग 4 से 5 महीने अपने प्री क्लिनिकल और फेज फर्स्ट फेज सेकेंड के ट्रायल्स को दिए हैं। तो दोस्तों, इस सब के बीच हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि कोवैक्सीन 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर बन जाए? तो दोस्तों, इन सब बातों को जानने का चलिए हम समझते हैं कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि सरकार इस वैक्सीन को जल्द लाने के चक्कर में इसकी प्रोसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है या दबाव बना रही है। तो चलिए इसके पीछे के कारण और प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ की बात करें तो दोस्तों, शुरू से समझते हैं। 9 मई को ICMR ने NIV पुणे से SARS-CoV-19 के स्ट्रेन्स BBIL की हैदराबाद लैब में भेजे। फिर 29 जून को कंपनी ने प्रेस रिलीज की जिसमें उन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स के लिए मंजूरी की बात कही। इस दौरान 50 दिनों में कंपनी ने इनएक्टिवेटेड वायरस बनाया, उसे एनिमल्स पर टेस्ट किया, रिपोर्ट्स इवेल्यूएशन के लिए भेजी और DGCI से अप्रूवल भी ले लिया। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत बायोटेक ने सच में 50 दिनों में अपने प्री क्लिनिकल टेस्ट पूरे कर लिए, क्योंकि एनिमल्स पर टेस्टिंग के लिए अक्सर 3 महीने लग जाया करते हैं। इसी संदर्भ में भारत बायोटेक के फाउंडर कृष्णा एला ने कोट किया था 7 अप्रैल को, इट विल टेक एटलीस्ट 3 मंथ्स टू डू एनिमल ट्रायल्स टू एस्टेब्लिश द सेफ्टी प्रॉपरली। चलो, हम मान सकते हैं कि इन्होंने ये सब जल्दी जल्दी कर लिया हो। फिर दोस्तों, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का लेटर आता है जिसमें ICMR के डायरेक्टर जनरल मिस्टर बलराम भार्गव ने कोट किया, इट इज़ envisaged टू लॉन्च द वैक्सीन फॉर पब्लिक हेल्थ uses लेटेस्ट बाय 15th August 2020 आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। और इसी लेटर में लिखा है कि दिस इज अ फर्स्ट इंडिजिनियस वैक्सीन डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स विच इज बींग मॉनिटर एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इस कोट से ऐसा लगता है कि कहीं सरकार ICMR और साइंटिस्ट पर दबाव तो नहीं बना रही कि इसके जल्दी से क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे करो ताकि हम 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च कर सकें, क्योंकि ICMR पे इसके क्लिनिकल ट्रायल्स का जिम्मा है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ICMR ने जिन इंस्टीट्यूशंस को क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए सिलेक्ट किया है वो क्या कहते हैं। द इंचार्ज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स SRM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मिस्टर सत्यजीत मोहपात्रा सेड, ICMR हैज गिवन अ टाइम फ्रेम फॉर कंप्लीशन ऑफ फेज 1 ऑफ द ट्रायल बाय अगस्त। फेज 2 ऑफ द स्टडी विल स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 1 फॉलोड बाय फेज 3। अमूल्य निधि ऑफ जन स्वास्थ्य अभियान, हाउ कैन ICMR से दैट वैक्सीन विल बी लॉन्च्ड फॉर पब्लिक यूज बाय 15th August? हाउ कैन द क्लिनिकल ट्रायल्स बी कंप्लीटेड इन जस्ट 1 month फॉर अ वैक्सीन? दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने इन ट्रायल्स को कंडक्ट करना है। जबकि सोर्सेज की बात से माने तो भारत बायोटेक की जो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एप्लीकेशन थी उसमें उन्होंने 1 साल और 3 महीने का एस्टिमेटेड टाइम बताया था इन ट्रायल्स के लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं इस वैक्सीन के रीज़न के बारे में, क्यों इस वैक्सीन को इतनी जल्दी लॉन्च किया जा रहा है या क्यों इस वैक्सीन को इतनी जल्दी लॉन्च करने की एक कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अगर इस वैक्सीन को इतनी जल्दी लॉन्च करने का एक रीज़न देखा जाए, जो इसकी टेंटेटिव डेट डिसाइड की गई है 15th August, दोस्तों अगर हम देखें तो 15th August को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे आता है, यानी कि सरकार चाहती है अगर 15th August को उनकी कोवैक्सीन सक्सेसफुली लॉन्च हो जाती है और ये सक्सेसफुल रहती है तो दोस्तों इससे एक पॉजिटिव मैसेज आएगा कि इंडिया कंट्री ने अपने इंडिपेंडेंस डे के दिन पूरे वर्ल्ड को कोरोना वायरस से आज़ाद करा, जो कि दोस्तों हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। दोस्तों, अगर हम इसके पीछे के रीज़न को समझें तो शायद ये रीज़न ये हो सकता है कि जो इस वैक्सीन के बनने की जो टेक्निक है, यानी कि जो इनएक्टिवेटेड वायरस से इस वैक्सीन को बनाया जा रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारत बायोटेक इस वैक्सीन को इनएक्टिवेटेड वायरस से बना रही है, यानी कि डेड वायरस से बना रही है, तो दोस्तों ये मान सकते हैं कि जो डेड वायरस की वजह से अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर ये वैक्सीन अनसक्सेसफुल रहती है तो अगर ये हमारी ह्यूमन बॉडी में जाएगी भी तो इस वैक्सीन में डेड वायरस है, यानी कि वो वायरस अगर हमारी ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी को कोरोना वायरस से कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, ना ही हमारी बॉडी में उस वायरस को मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि अगर ये वैक्सीन अनसक्सेसफुल भी होती है तो इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई हार्म नहीं होगा, इनफैक्ट ये हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। शायद इसी वजह से, इसके इनएक्टिवेटेड वायरस की वजह से ही शायद सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस वैक्सीन को लॉन्च किया जाए। हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन बने, लेकिन वैक्सीन की सफिशिएंट टेस्टिंग, उसे सफिशिएंट टाइम मिले प्रिपेयर होने के लिए। हम नहीं चाहते कि अनप्रिपेयर्ड वैक्सीन मार्केट में है, उसे लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट्स हो या जनता के हेल्थ में से कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़े।
दोस्तों इन सब फैक्ट्स को जानने के बाद समझने के बाद दोस्तों हमारी ओपिनियन तो ये है कि हमें इस समय इस वैक्सीन का 15 अगस्त तक आना थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है दोस्तों, लेकिन हम भी कोवैक्सीन को सपोर्ट कर रहे हैं। हम खुद दिल से चाहते हैं कि ये वैक्सीन 15 अगस्त तक आ जाए दोस्तों। अगर ये वैक्सीन 15 अगस्त तक आती तो हमारी यही विश रहेगी कि ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो, इसके सारे टेस्ट अच्छे हों और ये ह्यूमन पे अच्छा रिएक्ट करे, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। और दोस्तों हम चाहते हैं कि भारत इस वैक्सीन को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बना ले और भारत 15 अगस्त को यानी इंडिपेंडेंस डे को पूरे विश्व को इस कोरोना वायरस की बीमारी से आज़ाद करा दे। दोस्तों इसी होप के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन के लिंक को क्लिक कीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द सारे नोटिफिकेशन हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ के मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।